हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा. वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ. आज की इस वीडियो में, जैसा मैंने बताया, लो स्पर्म काउंट के लिए एंड एजोस्पर्मिया के लिए बहुत इफेक्टिव 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, जो वीकनेस के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए एंड नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है. अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहे. इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे और सीधे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट मेडिसिन इज एग्नस कैस्टर्स. बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर ओलिगोस्पर्मिया, फॉर एजोस्पर्मिया. इसको लेने के या इसको प्रिस्क्राइब करने के की इंडिकेशंस होते हैं ओलिगोस्पर्मिया. इसके साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अगर प्रॉब्लम है एंड थर्ड इज वीकनेस. तो ये 3 अगर सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में एग्नस कैस्टर्स ली जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. एग्नस कैस्टर्स शुड बी यूज इन 30 पोटेंसी. जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिए आप. 2 ड्रॉप्स ऑन टंग थ्राइस इन अ डे, या फिर अगर आपने पिल्स में मेडिकेट कराई है तो 2 गोली दिन में 3 बार आप इसे ले सकते हो फॉर 1 month. उसके बाद रिपोर्ट्स को रिपीट कराने के बाद अकॉर्डिंगली मेडिसिन को लिया जा सकता है. द सेकेंड वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके अंदर 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स आपको मिक्स करना है और यूज करना है. द फर्स्ट वन इज अश्वगंधा मदर टिंचर, द सेकेंड वन इज जिनसेंग मदर टिंचर एंड थर्ड इज डैमियाना मदर टिंचर. अश्वगंधा बहुत ही इफेक्टिव नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, साथ में ये वीकनेस को दूर करने में हेल्प करता है. जिनसेंग एंड डैमियाना बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए. ये उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करती हैं, साथ में उनके क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती हैं. तीनों मेडिसिन आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएगी. आप तीनों को वहीं से ही मिक्स करा के डिस्पेंस करा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, या फिर आप खुद भी डिस्पेंस कर सकते हैं. अब आपको इसकी 20 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेनी है रेगुलरली फॉर 2 to 3 months.